हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी इस वीडियो में चैप्टर 6 परसेंटेज को एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में हम आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कलर पॉइंट। कलर पॉइंट का परसेंटेज फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको परसेंटेज मीन्स क्लियर कर देते हैं। परसेंटेज पर 100 है ना, इसका मतलब परसेंटेज जो होता है क्या होता है, पर 100 में ऑलवेज हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवा देते हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवाते समय सब बता दिया जाएगा, बता देंगे। यहाँ पे देखिए दिया फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कलर पॉट, दिया है कलर पॉट का परसेंटेज फाइंड कीजिए। तो जब भी हमें कलर जो है परसेंटेज फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट को काउंट करेंगे। टोटल पार्ट को काउंट कर लेते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टली 10 पार्ट है। कितने हैं, 10। वर्टिकली हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो वर्टिकली भी 10 है। तो टोटल पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट हो जाएगा, टोटल पार्ट हो जाएगा 10 × 10 = 100 क्या हो जाएगा, 100 पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें कलर पार्ट को जो है परसेंटेज बताना है, तो हम क्या कर लेते हैं, कलर पार्ट्स को जो है काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो हम कर लेते हैं कलर पार्ट्स। कलर पार्ट = 15 अब हमें यहाँ पे देखिए कलर पार्ट के बेस पे परसेंट में लिखना है, तो इसको हम लिख देंगे 15/100 है ना, 15/100। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब हम 100 यहाँ से हटा देंगे तुरंत क्या लग जाएगा, परसेंट का सिंबल लग जाएगा, हो जाएगा 15%। 15% यहाँ ध्यान से देखिए 100 पार्ट में कलर पार्ट कितने हैं, 15 है, तो क्या हो जाएगा 15%। तो ऐसे हम ऐसे जो है जब भी जो कलर पार्ट जो भी फिगर दिए गए हैं एक्सरसाइज 6.1 में, तो आप सभी को ऐसे टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप सभी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट